देखिए, कांग्रेस पार्टी की ये परंपरा रही है कि हमारे प्लेनरी सेशन में हम देश के अहम मुद्दों पे गहन चर्चा करते हैं, एक रोडमैप भी देते हैं कि कल को जनता के आशीर्वाद से हमारी सरकार बनेगी तो हमारे लिए जनता का काम का क्या तरीका होगा। आज यहाँ पे जो किसान के लिए उनके हितों के, क्योंकि हमारा देश वो उद्योग प्रधान देश नहीं है, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, तो इस कृषि प्रधान देश में आज सबसे मुश्किल का दौर अगर किसी का है तो किसानों का है। उद्योगपति तो मालामाल हो रहे हैं, और वो भी जो भाजपा के समर्थक है उनके तो करबों खरबों रुपये माफ किए जाते हैं, लोन मिलती है, पर आम किसान जो है वो दिक्कतें झेल रहा है। चाहे वो MSP के कानून की बात हो, कहा तो था कि आय दुगनी कर देंगे, खर्चा दुगना हुआ, आय दुगनी नहीं हुई, तो इन मुद्दों को लेके आज चर्चाएं हुई है। अभी और भी मीटिंग्स होगी और फाइनल ड्राफ्ट बनेगा, उसके बाद में प्लेनरी सेशन में इस पे चर्चाएं होगी। जो आज की भाजपा की सरकार है, हमने आज कुछ आंकड़े भी रखे कि बजट एस्टिमेट में, बजट में दिखाते हैं कि देखो ये किसान के लिए किया हमने, बहुत किया, और जब 8 महीने के बाद यानी कि दिसंबर में जब रिवाइज एस्टिमेट बनता है तो बजेटरी एलोकेशन को काट दिया जाता है किसानों का रिवाइज एस्टिमेट में, और उद्योग में वो पैसा बढ़ाया है उसके आंकड़े भी हम रखने वाले हैं सामने। छोटे छोटे बहुत मुद्दे हैं, फिशरीज को भी हम, मछुआरों की समस्या को भी हम एग्रीकल्चर के साथ जोड़ते हैं। हमारे आदिवासी भाई जो वन संपत्ति है, वहाँ से गोंद लाते हैं, गुगल लाते हैं, पत्ते लाते हैं, उनको भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी हम रोड में, जिस तरह से किसानों की जमीन छीनी जाती है, अगर आप किसी दुकान में जाओ तो दुकान में बेचने वाला तय करता है कि मेरा दाम ये रहेगा, यहाँ पे तो किसान की जमीन का दाम किसान नहीं तय करता है, सरकार कह देती है इतने पैसे में दे दो और ले लेते हैं, तो उस कानून को भी कड़ा करने की बात हमारे रेजोल्यूशन में आएगी। पूरा ड्राफ्ट हो जाने के बाद आप सबसे इन बातों पे हमारे कमेटी के चेयरमैन जो मुद्दे हैं उनको साझा करेंगे। सर, संगठन का इंतजार है, तमाम जो दिग्गज हैं, सर आप प्रभारी हो, कहां तक रिपोर्ट पहुंची, कौन कौन सी ब्लॉक वाली पहुंची, जिला अध्यक्ष वाली पहुंची, AICC डेलीगेट्स थे, सर आप भी बता सकते हैं। देखिए, हमारा संगठन का काम बड़ी मजबूती से जल्द हो जाएगा। हमारे प्रदेश रिटर्निंग ऑफिसर PRO आए थे, APRO भी थे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि वो सभी नेताओं से मिले हैं, वो सभी कार्यकर्ता से भी मिले हैं, बहुत दौरे भी उन्होंने किए हैं, और उन्होंने कार्यकर्ताओं की आवाज़ को सुन के नेताओं से कंसल्टेशन के बाद जो लिस्ट बनाई है उसको हाईकमांड का अप्रूवल मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा। और आप लोग ताना देते हो कि 9 साल से संगठन नहीं था, तो बहुत जल्द हरियाणा कांग्रेस में संगठन मिलेगा, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे सभी नेता पार्टी के हित को अपने अहम से ऊपर रख रहे हैं, और इसीलिए एक हो के काम करेंगे। और हरियाणा की जनता आज बहुत परेशान है, चाहे जवान हो, चाहे किसान हो या पहलवान हो, आम हरियाणावासी दुखी हैं, और कांग्रेस की सरकार हरियाणा में हो वो सबकी उम्मीद है, और वो सिर्फ शासन लेने के लिए नहीं, हरियाणा की सेवा की साधना करने वाली कांग्रेस की सरकार बनेगी। सारी लिस्ट है, उसमें ब्लॉक की भी है, डेलीगेट्स की भी है, जिलाध्यक्षों के भी नाम सौंप दिए गए, सब कुछ PRO और APRO ने मिलके सबसे बात करके किया है, और अच्छी लिस्ट है, सभी तरह की लिस्ट है, और वो जिस तरह से हाईकमांड का फाइनल इसमें अप्रूवल होता है उसके बाद में जारी किया जाएगा। मैडम की और रणदीप सुरजेवाला साहब हों, शैलजा जी हों, इनसे भी बातचीत की गई है? देखिए, APRO और PRO ने किसी लीडर नहीं, कार्यकर्ताओं से भी बात की है, सबसे बात की है, और उनकी एक्सरसाइज के बाद जो भी लिस्ट बनी है उसमें कोई कोटा सिस्टम नहीं है, पर कौन कितना कहाँ पार्टी को उपयोगी हो सकता है उसको नजर में रखते हुए बनाया। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।